हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है यूनिवर्स का जो आपको सब कुछ दिला सकता है। सब कुछ जो भी आप सोच सकते हैं वो सब आप पा सकते हैं, और कई बार तो जो आप सोचते हैं उससे कई गुना यूनिवर्स आपको देता है। तो मतलब ये तो बहुत अमेजिंग है। आई होप आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम अपने किसी डिज़ायर को, अपने किसी विश को मैनिफेस्ट करते हैं या उसके लिए कोई टेक्निक करते हैं, तो टेक्निक करना इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि टेक्निक करने के बाद उस चीज़ों को, अपनी विश को लेट गो कैसे करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 या 4 टिप्स आपको बताऊंगी जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो मुझे लेट गो करने में 100% हेल्प करता है। बहुत ईजी है उन टेक्निक से लेट गो करना, तो मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियोस अगर आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो पहले हम ये समझते हैं कि लेट गो का मतलब होता क्या है। तो कई लोग ये बोलते हैं लेट गो का मतलब क्या, मैं जाने दूँ अपनी विश को, उसके बारे में सोचूँ ही ना, कोई एक्शन ही ना लूँ। नहीं, इस बीच अगर कोई पॉजिटिव एक्शन आता है तो ज़रूर लीजिए, और आप अपनी विश को बिल्कुल नहीं जाने देंगे, उसको तो हम पूरा करके ही मानेंगे, वो तो आपकी विश है। तो लेट गो का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो 3 स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट इज़ आस्क, सेकेंड इज़ बिलीव एंड थर्ड इज़ रिसीव। अब हम मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक करके यूनिवर्स को ये बता तो देते हैं, फर्स्ट स्टेप कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए। जैसे स्क्रिप्टिंग में लिखकर, विजुअलाइजेशन में विजुअलाइज करके हम यूनिवर्स को ये बता देते हैं कि हमको क्या चाहिए। लेकिन सेकंड स्टेप जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो होता है वो 1 दिन स्ट्रांग रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4th दिन वो थोड़ा सा डगमगाने लगेगा, 5वें दिन उसमें डाउट्स आने लगेंगे, पूरी क्यों नहीं हो रही है, टाइम क्यों लग रहा है, कब होगी, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो इसी को कहते हैं कि आप अच्छे से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेट गो का मतलब है अपनी विश के बारे में बिल्कुल भी वरी न करना, यूनिवर्स पे उसे कम्प्लीटली छोड़ देना कि वो तो पूरी होगी ही होगी। आपने फुल पेमेंट के साथ में, यूनिवर्स के साथ अपना ऑर्डर बुक किया है, वो तो डिस्पैच होकर डिलीवर होगा ही होगा, इसलिए उसकी बिल्कुल वरी न करना ही लेट गो है। तो कई बार हम नहीं कर पाते, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो बड़ी विशेष के लिए मैं नहीं कर पाती। छोटी विशेष तो मेरी, जैसे कोई ड्रेस चाहिए, कोई छोटा मोटा सामान चाहिए, तो आजकल मैं मेडिटेशन करती हूँ तो वो एकदम इजीली पूरा हो रहा है। कई चीज़ें तो 2-2 दिन में ही कंप्लीट हो जाती है। 5 मिनट बैठ के अगर मैं 2 दिन लगातार भी विजुलाइज करूँ तो 3rd दिन तो वो चीज़ जो है वो मेरे पास आ ही जाती है। लेकिन अगर मैं अपनी बड़ी विशेष की बात करूँ, जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती हूँ, उस कंडीशन में लेट गो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए लेट गो करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहला टिप जो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे बहुत ही हेल्प करता है, वो ये है कि अब विश के बारे में बिल्कुल मत सोचो। मेरे साथ क्या होता है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ, हाँ पॉजिटिव रहूँगी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से जानती हूँ, मैं तो पूरा दिन पॉजिटिव रहूँगी। और फिर क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में कोई नेगेटिव थॉट जो आके मेरे दरवाजे पर नॉक नॉक करता है, मैं उसे इग्नोर करती हूँ, फिर नॉक नॉक करता है, फिर मैं उसे इग्नोर करती हूँ, और फिर वो एकदम से एंटर कर जाता है, फिर वो एंटर करता है, उसके साथ उसका कोई और भाई आता है, फिर वो भी एंटर कर जाता है, फिर 3-4 और आते हैं, ऐसे वो अपनी बंच बना लेते हैं, और फिर मेरा लेट गो, मेरी विश गई भाड़ में, कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कोई भी विश जो है, जिसके बारे में आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं पर संभव नहीं हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो सारा खेल माइंडसेट का है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, उसके बारे में सोचो ही मत, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो, किसी और काम में लगा लो। ऐसा बोल दो, थोड़े दिन की तो बात है, बाद में सोच लेंगे, बाद में तेरी वरी कर लेंगे, तो पूरी होनी ही है, ठीक है। तो थोड़ा दिन उसके बारे में बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो, ये आपका फर्स्ट टिप है, फर्स्ट स्टेप जो भी आप इसे बोले, ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये करना है कि आपको उसके बारे में सोच, या तो सोचो, तो इतना सोचो कि बस आप पॉजिटिव रहो हमेशा उसके बारे में, ठीक है। और अगर नेगेटिविटी आ रही है तो आई विल सजेस्ट कि उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। सेकंड, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, सक्सेस स्टोरीज देखो। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई की है, आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अप्लाई की है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है ना यूट्यूब पे, दिन में 2-3 तो देखो ही देखो। ये क्या करता है, आपको ऐसा लगता है एक बार देख रहा हूँ कुछ नहीं होगा, नहीं, आप एक बार देखेंगे ना, आपका माइंड जो है वो 30-40% उस चीज़ के लिए चार्ज हो जाएगा, उस चीज़ पे बिलीव करने लग जाएगा। तो जितनी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, उतना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा कि मैंने कोई कमाल का जादू किया है और ये होने वाला है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपका स्ट्रांगली उस पर बिलीव हो जाएगा कि ये काम करेगा ही करेगा।
तो जितना हो सके या दिन में 2-3 बार तो आप कोई ना कोई सक्सेस स्टोरीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देखो अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर रहे हैं। तो थर्ड जो स्टेप या थर्ड जो तरीका है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी विश को लेट गो करने के लिए, कि मान लो आपने सोच लिया कि मैं अपनी विश के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करूँगा, मैं इसके बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आएगा। जैसे कि आप अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे थे और अब आपने सोच लिया कि आप अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, फिर भी क्या होगा कि कहीं ना कहीं से ऐसा थॉट आएगा कि नहीं आप बीमार हो, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो। तो आपको क्या करना है, उस पर तुरंत एक्शन लेना है। आपको तुरंत उस नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज करना है, दैट आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम परफेक्टली फाइन, मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ, मैं एक दिन पूरी तरह से रिकवर हो जाऊँगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, उस पर तुरंत एक्शन लेना है। तो ये काम अगर आप 21 दिन तक भी कर लेंगे ना, तो 21 दिन में क्या होता है, हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ जो उसकी आदत में आ जाती है, और जब ये चीज़ आपकी आदत में आ जाएगी तो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आना ही बंद हो जाएंगे, कि नहीं इसको ये नेगेटिव थॉट पसंद नहीं आ रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स जो है वो लेना ही नहीं चाहता, ये इसके अपोजिट कुछ करता है, दैट मीन्स मुझे वहाँ नहीं जाना है, थॉट्स भी ये सोचेंगे और फिर वो आपके माइंड में आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा फनी लगता है पर बहुत ही अच्छी है, ये भी तरीका बहुत अच्छा है, इसको भी ज़रूर आप एक बार यूज़ करके देखना। फोर्थ, आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी थॉट को, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आता है आपके विश से रिलेटेड, तो उसको रीराइट कर लो, उसको एक स्लिप पे लिख दो, और उसको लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उसको जब भी मिनट देखी होगी आप सबने, उसको फ्लश आउट करना है, उसको या तो जला दो या फ्लश आउट कर दो, उसको एकदम बुरी तरह से फाड़ के बहुत दूर कहीं पर फेंक दो, ताकि आपके माइंड को ये लगे कि उस नेगेटिव थॉट को आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके हो, अब वो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मर गया है, वो तो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो आप ये तरीका भी काम में ले सकते हैं अपनी विश को, अपने नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए, अपनी विश को लेट गो करने के लिए। उसके अलावा एक लेट गो प्रेयर होती है। तो लेट गो प्रेयर क्या होती है कि डियर यूनिवर्स, मैं अपने माइंड से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करता हूं, और अब मैं टोटली रिसीविंग मोड पे आ चुका हूँ, अब मैं अपनी विश को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी विश जो है वो मुझे दे दीजिए। इस तरह से आप रोज़ सुबह शाम उठने के बाद, सोने से पहले, जब भी आपका मूड अच्छा होता है तब आप ये लेट गो प्रेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप 7 डेज़ का, 11 डेज़ का एक टारगेट ले सकते हैं, चैलेंज ले सकते हैं कि अब मेरी विश को टेक्निक करने के बाद में मैं 7 या 11 या 21 दिन तक मैं क्या करूँगा, बिल्कुल खुश रहूँगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं अपने आप को बिजी रखूंगा, अपनी सेल्फ केयर करूंगा, सेल्फ लव करूंगा, मैं किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लूंगा, विश के बारे में क्या मैं कोई दूसरी टेंशन भी नहीं लूंगा, ताकि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाए। देखिए, थोड़ी टाइम तक तो आप ये चैलेंज अपने आप को दे सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है आपने तो अपना पूरा अच्छे से काम कर दिया है, वो चीज़ तो होनी ही है। तो थोड़े टाइम तक खुद को ये चैलेंज दे दो कि 7 या 11 दिन तक अब मैं किसी भी चीज़ की कोई वरी नहीं करूंगा, मैं मस्त रहूंगा, एकदम खुश रहूंगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं वो बड़े ही कमाल के हैं, इनको फॉलो करो और इससे आप अपने विश को इजीली लेट गो कर पाएंगे। मैं तो कर पाती हूँ, और एक बार अगर आपने अच्छे से लेट गो कर दिया ना, फिर यूनिवर्स भी नहीं रोक सकता आपकी विश आपको देने से, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए, मुझे देखने सुनने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। खूब सारा सेल्फ लव करो, एंड बाय, हैव अ नाइस डे।